नमस्कार, मी फेरोज मनियार, जनतेचे मत लाईव्ह मध्ये आपले स्वागत. कंधार शहरामध्ये दिनांक 20 एप्रिल 2018 रोज शुक्रवारी शहरातील सर्व बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेव. सर्वधर्मीय सर्वपक्षीय विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे कारण म्हणजे काश्मीरमधील कठुआ येथील 8 वर्षीय मुली आसिफा हिच्यावर बलात्कार करून तिचा निर्गुण हत्या करणाऱ्या व्यक्तींना फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी अशा प्रकारचे निवेदन कंधार तहसीलदार यांना देण्यात आले. दुपारी 2 वाजता तहसील कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर या मोर्चाचे नेतृत्व लहान मुलींनी केले. कंधार शहरात हा मोर्चा पूर्णपणे शांततेत पार पडला. या मोर्चात कंधार पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. या मोर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम व सर्वपक्षीय नेते सामाजिक संघटना यांनी पाठिंबा देत या घटनेचा निषेध नोंदविला. आपण हे दृश्य पाहू शकता. कंधार शहरातील सर्व बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवण्यात आले होते. निकाला गया ये कंधार के तमामी शहरियों के जानिब से जो मुकम्मल तौर पर कंधार के कारोबार बंद किए गए हैं. तमामी व्यापारियों ने इसका पाठिंबा दिया है और हमारे इस मोर्चे के लिए जो है हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जज साहिबों ने भी जो है आज के फैसले को रोक कर जो है इसका पाठिंबा दिया है. सिर्फ वहाँ पर तारीख के लिए आज कोर्ट खुली थी और तमाम फैसलों के लिए इस मोर्चे की तायद के लिए बंद रखी गई थी और तमाम वकील हजरात का भी इसके अंदर पाठिंबा रहा और भारतीय रिपब्लिकन महासंघ की तरफ से भी हमारे इस मोर्चे को पूरी तरीके से पाठिंबा रहा है और तमामी कंधार के शहरियों ने जो है मुस्लिम भाइयों ने हर मजहब के मानने वालों ने इसकी तायद की है इस मोर्चे की. लिहाजा ये मोर्चा इसलिए निकाला गया है कि जहाँ पर कठुआ के अंदर, अनवा के अंदर और यूपी, गुजरात और सेलू के अंदर जो दरिंदों ने, जालिमों ने छोटी छोटी बच्चियों पे जिसकी 7 साल उम्र, 8 साल उम्र है उनके साथ बलात्कार करके जो है उन्हें कत्ल कर दिया गया है तो वो जालिमें आज भी खुले हैं. तो लिहाजा मैं अपनी हुकूमत से, हिंदुस्तान की हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए. हम इसी मुतालबे के लिए ये एहतजाजी जुलूस कंधार शहर कंधार के अंदर तमाम की तरफ से निकाला गया है और तमामी काम शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी कि आसिफा के गुनाहगारों को फांसी दी जाए क्योंकि 7 साल के 8 साल के छोटे छोटे बच्चियों पे जो जुल्म कर रहे हैं ये दरिंदे उनको फांसी दी जाए. बहुजन महासंघाचे सतत 8 दिवस जो अत्याचार केलेला आहे त्याचा निषेध म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी या बाबतीतला लढा उभारला जाईल, मोर्चे काढले जातील, त्या देश पातळीवरील मोर्चाला जाहीर पाठिंबा भारिप बहुजन महासंघाच्या वतीने देण्यात आले.